कुछ बोल रहे थे आज के बारे में, क्या आपको लगा? आज के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ सर के लिए। वास्तव में जितने वक्ता थे, इन सर ने, दागा साहब ने जो आज वास्तव में किसानों के हित की बात उठाई, मैं कहता हूँ भारत में ऐसे बिरले आदमी अगर 10-15 भी होते, इन किसानों का वास्तविक कल्याण चाहने वाला एकमात्र व्यक्ति आज ये थे। इसमें अभी आपको जो क्या मुख्य है वो चीज लगा कि इन्होंने जो बोला कि किसानों को जो रेटो जो थी इसकी कपास की उससे 50 ने बोला कि 50,000 करोड़ का किसानों को फायदा हुआ, जबकि आपने वास्तविकता बताई। उस समय किसानों का 60% माल जा चुका था और लोगों को पैसे जो जरूरत थी उस पैसे का इंटरेस्ट लग चुका था, पैसा नहीं था उनके पास में, लोगों को पैसा इंटरेस्ट लग चुका। आप लोग को मैं समझ रहा हूँ, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बोला, एक सज्जन थे बोले मैं आना चाहता हूँ आपके पास, तो बोले कि मैं तो अपने मंत्रालय में बैठा ही होता हूँ, तो आइए, कोई आता नहीं है। तो आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन सर के द्वारा या जिन लेके जाइए आप लोग, तो हम समझ रहे हैं कि हमारे आम आदमी की पहुंच वहां तक है नहीं। ईमानदारी की बात है, अपनी डेमोक्रेसी इस तरीके की कि आम आदमी वहां कोई अपनी बात पहुंचा सकता नहीं है, ऐसे जो प्रभावशाली व्यक्ति है उन ये लोग ही पहुंचा सकते हैं। रिटर्न में आपको लिखना लिखित देना पड़ेगा, वो बात ठीक है, वर्बली से नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन भी था, मैंने लिख करके रख रहा, लेकिन मेरे को इसका मिला नहीं। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रखा, पढ़ दीजिए। अगर ये हम लोग तो उधर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं, तो वो लोग मैंने कहा भाई अपन को मिलेगा चांस, तो अपन ये एम बात ये 60% माल जा चुका था, इनको रेट नहीं देते, एक ही बात है। ये देखो पढ़ दीजिए, पढ़ दो जी, ये मैंने लिखा था कि राजस्थान में बारिश के कारण, बारिश के मौसम में कपास बोई जाती है, ठीक है सर, इसमें बारिश के बाद ज्यादा धूप पड़ती है या फिर धूप के बाद में ज्यादा बारिश होती है, दोनों स्थितियों में गिल्ट नाम की एक बीमारी इसमें लग जाती है, ठीक है सर, और उसके बाद में पौधे सूखने लग जाते हैं, जिसका किसानों के पास में कोई तोड़ नहीं है। दूसरी बात है, पाला गिरता है ऊपर से, उस पाले से जो ये रिसर्च जो करने वाले थे, ऐसी किस्में इनको डेवलप करनी चाहिए कि इनसे जो ऐसी रोधी किस्म अगर ये डेवलप करे तो भाई इनसे मतलब जो है किसानों का पास होना चाहिए। ग्रीन हाउस में हो सकता है क्या? मेरे को ज्यादा नहीं, ग्रीन हाउस जो बनाते हैं उससे बड़ा एरिया, ग्रीन हाउस में हो सकती है, लेकिन ये जो हम काश्तकार हैं, हमारे बस की बात नहीं कि हम ग्रीन हाउस में खेती करते हैं। ग्रीन हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए, वो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, एरिया में भी ज्यादा एरिया में बोलते हैं, ठीक है ना, उतने एरिया को अगर ढकना करना कहना देना, ये रिसर्च मैन है, ये ऐसी मतलब वैरायटी डेवलप करें जो कि मतलब ज्यादा पानी को भी सहन कर सके, धूप को भी सहन कर सके और पाला गिरने की स्थिति में भी। अभी इस साल लोगों के 50% पाले से नुकसान हुआ है, इसके लिए हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने लेकर मैंने कहा प्रश्न धन्यवाद दिया जा